long time. I'm back on my channel with my new background or my new setup. Assalamu alaikum, ummeed hai aap sab khairiyat se honge. Main hoon Hamad 946 and welcome to my another video, jo ki aaj is bare mein hai ki maine apna new setup finally create kar liya hai, jo ki kafi sasta sa hai, itna mehenga nahi hai, but looking mein kafi acha lag raha hai. तो आज की इस वीडियो में मैंने जस्ट ये बताना है आपको कि मेरा सेटअप वगैरह कितने का आया, सेटअप मैंने कैसे बनाया, सेटअप में क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ और आप कितने का सेटअप बना सकते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो बैक पे हमारी जो शीट आ रही है, मतलब कि एक शीट सी है, ये कितने की है. ये बाज़ार से आपको, मतलब आपको कितने की मिलेगी आई डोंट नो, बट मुझे ये 200 में पड़ी थी, जो कि काफ़ी लेंथ है इसकी, मतलब काफ़ी आगे तक जा रही है. उसके बाद आते हैं इस शीट पे, जो कि ये नीचे, जो कि सिस्टम के नीचे है टेबल पे, जो कि मैंने बिछाई हुई है, ये आती है 100 रुपीज़ की, जो कि मैंने सेम डे ली थी, जो कि बैक वाली शीट और ये शीट सेम डे मैंने ली थी. उसके बाद यहाँ पर मेरा पीसी है, i5 है, सेकंड जनरेशन है, इसमें ग्राफिक कार्ड वगैरह कोई नहीं, अभी 4GB रैम है, मतलब कि मेरे लेवल का है, जो कि मैं अपनी वीडियोज़ क्रिएट कर लेता हूँ, मुझे ज़्यादा चाहिए भी नहीं अभी. उसके बाद आता है मेरा लैपटॉप, जो कि मेरे पर्सनल यूज़ का भी है और काफ़ी कुछ मैं अपना जो है लैपटॉप पे करता हूँ, और जो उसके डेस्कटॉप पे आइकन्स आ रहे हैं उससे आप ख़ुद भी पता चला सकते हैं या वो ख़ुद भी देख सकते हैं आपके कितना कुछ उस पर शो किया जा रहा है. उसके बाद यहाँ पर बैक पे मेरी LED के बैक पे आपको एक लाइट दिखाई दे रही है, जो कि 100 रुपीज़ में मैंने परचेज़ की है, और इसका शेड जो बैक से आ रहा है काफ़ी अच्छा आ रहा है. अभी काफ़ी सारी चेंजिंग्स करनी बाकी हैं बैकग्राउंड में, बट अभी जो लुकअप आ रही है, मतलब पहले से काफ़ी अच्छी आ रही है. उसके बाद मैंने प्रूफ जो चीज़ की बैकग्राउंड में, वो कुछ मतलब सॉलिड कलर. उसके बाद जो लाइटिंग जो आ रही है मेरी तरफ, लाइटिंग में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने इम्प्रूव की है. एक लाइट मेरी लेफ्ट साइड पर है, एक मेरी राइट साइड पे, सॉरी बट आपके वहाँ पर, क्योंकि मेरा मोबाइल है और फ्रंट कैम से मैं वीडियो बना रहा हूँ, दैट्स वाई मेरा लेफ़्ट राइट थोड़ा गलत हो सकता है. इस साइड पे रिंग लाइट एंड इस साइड पे एक आम LED लाइट है, जो कि यहाँ पर मुझे प्रोवाइड करी है लाइटनिंग. एंड यहाँ पर जो दूसरी लाइट है रिंग लाइट, जिसके कलर चेंज होते हैं, जो कि यहाँ पर मैं डिफरेंट कलर यहाँ पर चूज़ कर सकता हूँ, मैं डार्क भी यहाँ पर ले सकता हूँ. उसके बाद रिंग लाइट है, यहाँ पर ये कलर भी आ सकते हैं, बट यहाँ पर ये ऑरेंज, मतलब कि ब्राउनिश कलर, इस वजह से मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर रखा, ताकि जो बैकग्राउंड पे मेरी जो लाइट आ रही है, ये लाइट और इसका लाइट का कॉम्बो काफ़ी अच्छा दिख रहा है. और यहाँ पर लाइट एंड यहाँ पर लाइट, मतलब काफ़ी अच्छी लाइटनिंग अब आ चुकी है मेरी वीडियो में. अब काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इम्प्रूव की हैं, अब और भी काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव करनी बाकी हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब इसीलिए मैं अपनी स्टार्टिंग में बोलता रहता हूँ वीडियो में कि आप 33 वीडियोज़ मिनिमम बनाएं, ताकि आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चल सके. मेरी चैनल पे 21 के 24 वीडियोज़ हो चुकी हैं, और उसके अंदर अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव की, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली, काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैंने और न्यू इम्प्लीमेंट की, मतलब कि एक्सपेरिमेंट्स मैंने न्यू किए. अब ये जो सेटअप है, इस सेटअप में मैं अपना सेकंड चैनल है, जो कि मेरा व्लॉगिंग चैनल है, व्लॉग एंड टॉक चैनल है, अब उस चैनल को भी अब यहाँ से मैं ऑपरेट करूँगा, यहाँ से वीडियो बनाऊँगा, जब तक मैं अपनी सेकेंड वॉल जो है उसको सेटअप नहीं कर लेता, तब तक इसी फ्रेम में, इसी सेटअप में मैं दोनों वीडियोज़ बनाता रहूँगा. बाई इसमें काफ़ी ज़्यादा मेरा टाइम लग गया था, लाइटनिंग सेटअप करना, बैकग्राउंड देखना, उसके बाद कलर कॉम्बिनेशन देखना कि क्या आपको किस तरह से क्या चीज़ प्रोवाइड करनी है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, उसके बाद आपको वीडियो बनानी पड़ती है. अब बात करते हैं कि हमारे कंटेंट की, सबसे पहले तो हमारा जो दराज की सीरीज़ रहती है हमने वो कंप्लीट करनी है, उसके बाद कुछ और न्यू सीरीज़ में लेके आ रहा हूँ, जो कि इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी. अब वो सीरीज़ लाने से पहले मैंने खुद ये कोर्स किए, पेड कोर्स हैं, मैंने खुद ये कोर्स किए, और कोर्स करने के बाद मैंने इम्प्लीमेंट किए, इम्प्लीमेंट करने के बाद अब मैं शेयर करूँगा इंशाल्लाह आने वाली अपनी वीडियोज़ में कि आप कैसे सब कुछ कर सकते हैं. आइडिया देना चाहता हूँ बट आइडिया दूंगा मैं नहीं, बिकॉज आइडिया काफ़ी ज़्यादा लोग चुरा लेते हैं, आइडिया चोर बैठे हुए हैं, इस वजह से नो आइडिया. बस इतना बता दूँ, आगे आने वाली काफ़ी सीरीज़ में मैं, मतलब आने वाली वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ में इंक्लूड करने वाला हूँ. पहले दराज की सीरीज़ को ख़त्म करना है,
उसके बाद हम और जो न्यू सीरीज़ हैं वो लेके आएंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।